दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज में शामिल होने की वजह से देश भर में क्वारंटीन किए गए तबलीगी जमात के लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कानपुर के हैरत अस्पताल में भर्ती तबलीगी जमात के लोगों पर भी डॉक्टरों और नर्सों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है। इन पर वार्ड में जानबूझकर गंदगी फैलाने का भी इल्जाम है। कानपुर के गणेश शंकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आरती लाल चंदानी ने इन लोगों के व्यवहार पर नाराजगी जताई है। कल यूपी के गाजियाबाद में भी जमात के लोगों ने सरकारी अस्पताल में नर्सों के साथ अश्लील व्यवहार किया था और ये कानपुर के हैलट अस्पताल में नर्सों के साथ बदसलूकी का मामला अब सामने आया है, जिस पर नाराजगी भी जताई गई है प्रिंसिपल की तरफ से। और सवाल बार बार ये उठ रहा है कि तबलीगी जमात के सदस्य इस तरह से बदसलूकी क्यों कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं वो इनका इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो कोरोना की चपेट से बाहर आ सकें, लेकिन उसके बावजूद तबलीगी जमात के लोगों की तरफ से इस तरह की हरकतें बदस्तूर जारी हैं। अभी हमारे यहाँ करीब 22 लोग दो दिन से थे जो दिल्ली में जमात में मरकज से आए थे, और उन लोगों के हमारे डॉक्टर्स की जो टीम थी उसमें वार्ड बॉय, नर्सेस, टेक्नीशियन सारे स्टाफ होते हैं जो पूरे प्रोटेक्शन से पीपी किट में अंदर सेवा कर रहे थे। ये बहुत कठिन काम होता है, पीपी किट 6 घंटे से ज्यादा पहना नहीं जाता। उसके बाद ये रोटेशन से डॉक्टर्स ड्यूटी करते हैं, 21 दिन तक क्वारंटाइन में होते हैं, किसी का मुंह नहीं देखते, अपने ही घर वालों का किसी का 21 दिन वो क्वारंटीन में सॉलिटरी कमरे में फिर उनको रहना पड़ता है। 21 दिन बाद इनकी ड्यूटी बदलती है, और उस हालत में ड्यूटी करने पे ये जो मरीज थे जिनकी सेवा में जिनके बचाव के लिए लगे थे उन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया, इससे बहुत दुख हुआ। और किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने थुक्का गंदगी की कोई बात नहीं मान रहे थे, आपस में इकट्ठा हो रहे थे और एक ही हॉल के अंदर इकट्ठा हो गए, बार बार कहने पे अलग अलग रहने के, तो और बुरा भला कह रहे थे डॉक्टरों को, ये सब अच्छा नहीं था, आगे से कोई भी इस तरह ना करे। हर सुबह कीजिए दिन की परफेक्ट शुरुआत खबरों के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें काम की और कहानियाँ कमाल की। देखिए नमस्ते भारत सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ABP News पर।